हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या एंड बिहार ब्लॉग अभी ऑनेस्ट में। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है सो मेरी दिल की बात, मन की बात, यूँ कह लीजिए कि मैं इसलिए बनाई हूँ कि शायद मुझे लगता है मैं ये किसी ने मुझे बताया नहीं है या जाहिर नहीं किया है। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद कोई सोच रहे होंगे कि ये वीडियो क्यों बनाती है, तो मतलब क्या मैं बताऊँ कि ऐसे कोई मुझे बताया नहीं है पर्सनली, या किसी ने मुझे कहा नहीं है, या किसी ने ऐसा जाहिर भी नहीं किया है कि मुझे लगे। सारे लोग जो है मेरे रिलेटिव, मेरे घर के सब मेरे सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। कि मैं तो इतना तक बोलती हूँ ना कि मैं कैमरा मैं उठाती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि मैं ता बोलूँ या ती बोलूँ, होता है ना, आप समझ सकते हैं। जो भी यूट्यूबर होंगे अच्छे खासे या नए, जो भी होंगे, पुराने वाले हों या नए वाले हों, सब को लगता होगा, क्योंकि सब तो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। मैं भी जीरो से ही की हूँ स्टार्ट अपना, तो यही है। और मैं पहले तो मैं बोल लेती हूँ उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, देखते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, जैसे कुछ प्यारा प्यारा सा कमेंट भी रहता है। तो यही है, तो मैं उनको बहुत अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और मैं जो चाहती हूँ, मेरा पैशन है, उसको पूरा करिए, ख्वाब को। तो मेरी एक नहीं होती है कि जैसे आप किसी को देखते हैं उसे आप मोटिवेट होते हैं या अपना आइडल बनाते हैं, तो मेरे दो चार ब्लॉगर हैं जो जिनको देख के जैसे होता है ना कि मन में आता है कि ये बनाते हैं तो मैं भी बनाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है उनका उनका अपना तौर तरीका, दिनचर्या शेयर करती हैं, तो देखने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा भी मन किया, मैं अचानक से, कोई प्लानिंग नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, बस जो मेरे पास मोबाइल था मैंने उसको उठाया और रिकॉर्ड करके डाल दिया यूट्यूब पे, और चैनल सोच लिया था उसी समय आराध्या एंड बिहार ब्लॉगर बी ऑनेस्ट, और मैंने लिख के बस अपलोड कर दिया, न अबाउट लिखा न कुछ, मुझे पता नहीं था ABCD, बस मैं शुरू की और डाल दी। अभी तो फिलहाल मेरे पास छोटी सी एक फैमिली भी है, बड़ी नहीं है अभी तो, छोटी वाली फैमिली है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो बड़ी वाली फैमिली हो सकती है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आप लोग सोचते होंगे कि ये पैसन और ये सब तो कही सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई यूट्यूब चैनल पर अपना चैनल क्रिएट करता है, YT पे आता है नाम और फेम के लिए ही, तो मैं भी शायद उसी चीज़ के लिए ही आई हूँ। हर कोई चाहता है कि मुझे लोग जाने, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पहचाने कि हाँ ये है, तो हर कोई इसी वजह से यूट्यूब शायद ज्वाइन करता है या यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है। यूट्यूब पे मेरे भी आने का वही मकसद है, लेकिन ये भी बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की कमी है या ये मेरी फैमिली मुझे नहीं देती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो लाइफ है, खुद की लाइफ, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए अच्छी है। अरे जो मैं कल सोचती हूँ कि जो जैसा मैं जीती हूँ शायद इसके लिए भी कोई तरसते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, ये है वो है मेरे साथ, फलाना चिलाना ये मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने में हूँ उतना में मैं खुश हूँ, और मेरे हस्बैंड है अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो यही है। दो बच्चे हैं भगवान की कृपा से, बस वो लोग आबाद हैं तो मैं खुद ब खुद आबाद रहूँगी। तो यही है, मैं क्या कहूँ, मैं हर कोई चाहता है YouTube पे नाम और फेम, तो मैं भी इसीलिए आई हूँ शायद, और यही चाहती भी हूँ। तो इसमें तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी आप लोग की दिनचर्या, मेरा जो मैं डालती हूँ YT पे, पोस्ट करती हूँ वीडियो वगैरह, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मन में जो थी एक छोटी सी कसक थी, तो मैं चाही हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ कि अगर कोई सोचते होंगे कि ये पागल हो गई है क्या जो वीडियो बना रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरे शौक थे, बहुत बड़े वाले शौक, पैशन या जो भी बोल लीजिए। तो हस्बैंड मेरे बड़ी सपोर्टिव है, बहुत बड़े सपोर्टिव है, कभी वो नहीं बोलते हैं कि ये क्यों कर रही है, वो क्यों क्यों कर रही हो, वो देखते हैं कि जब ये औरत होके इतना कुछ मेहनत कर रही है तो इसको डिमोटिवेट नहीं करना है, बस वही है, इसलिए बहुत सपोर्टिव है और शायद करते भी है, और मेरे बच्चे भी बहुत हैं। तो अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो मैं आगे ज़रूर जाऊंगी और मेरा जो शौक पैशन हो ज़रूर पूरा हो। तो बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या बताऊँ, यही है,
कभी कभी अचानक से होता है ना कि आप अकेले में बैठे हो तो लगता है कि शायद कोई मेरे बारे में ऐसा सोचते भी हो, और मन अजीब सा बेचैन हो जाता है कि ये क्यों, तुमको क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं है, मुझे तो थी इस चीज़ की कि मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग पर्सनली जाने कि ये है आराध्या एंड बिहार ब्लॉगर बी ऑनेस्ट पूजा सिंह। तो मैं बस वही नाम के लिए अपने एक क्या बताऊँ मैं, और यही है, बहुत बड़ी कसर थी मन में, कसर थी एक तरीके से। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ बना के। तो ऐसा नहीं है कि मैं मुझे किसी चीज़ की कमी है या जो भी है, और ये भी नहीं है कि कोई चीज़ मैं शो ऑफ करती हूँ या दिखावे की ज़िंदगी। मेरी जो रियलिटी है, रियल लाइफ है, मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग के साथ प्रेजेंट करूँ कि बिहार में कैसे लोग रहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि मेरी छोटी सी जो YouTube फैमिली है तो उनको मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी सपोर्ट करने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए फिर करते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।